गाड़ी को लगी है नज़र, गाड़ी का फ्रंट एक्सल जरूर टूट चुका है। और आज है पार्किंग ऑटो शो की रात और हमारे साथ ये हो चुका है, एक्सल इज नो मोर विद अस। और सिविक ड्रॉप हो गई है और हमारी जो है वो उसी हाइट पे है, अभी रात को उसको भी ड्रॉप करेंगे। हेलो, आपकी किट्टे भी आई पड़ी है, आपका स्पॉइलर भी। अच्छा ये भाई गाइस को छोड़ने पागल है ये, बाकी जो है सिविक जो है वो ड्रॉप होगी, उसके रिम्स वगैरह आपने देख ली हैं, मैं आपको अगली शॉट में दिखा देता हूँ। और जो हमारी है वो उसी हाइट पे, हालांकि हम उस पर सुबह से लगे हुए, लेकिन पता नहीं लो रिंग्स कोई भी ना लगवाए भाई जान, लो रिंग्स कोई भी ना लगवाए, पैसे जोड़ो देर बाद लगाओ, लेकिन कॉइल ओवर्स लगाने हैं आपने। तेरे वाले से टाइम भाई प्रोफाइल ही नहीं मिल रही, प्रोफाइल ही नहीं मिल रही मुझे, ये वीडियो बना ले तेरी, मैं गंदी करूं बस देख लो भाई, इतने लगवा ले रात में क्या बुरा है। चल भगाओ यार, अभी हमने गाड़ी वर्कशॉप से निकाली थी, लेकिन नजर सॉरी है गाड़ी को लग गई है नज़र, गाड़ी का फ्रंट एक्सल जो है वो टूट चुका है, टूट गया ऊपर से टेढ़ा हुआ है। खुश है कि इसने रेस दी है, नहीं वो इसने कराया है ना, कैमर छोड़ दो मेरे, पहले वाला ठीक है, अपने दोबारा टूट गया, कैमर नहीं हो सकता हैं, अब कैमर वापस भी नहीं हो सकता। तो यार अभी वो दोबारा से टूट गया, फिर दोबारा एक्सल, लेकिन ये तो बच्चा है, सुजो दोबारा देगा इसको, इसको गा देना, मैंने आज तक पहले कभी नहीं दिया, आप क्यों दूंगा, ये तोड़ेगी एक्सल हैं, ये तो तोड़ेगी लड़कियों ने चाहिए, बनी भाई को फूफो बहुत प्यारी है, सुबह मानता नहीं है ना मेरी बात। तो यार आज है रात और हमारे साथ ये हो चुका है, उस्मान भाई की पार्किंग स्किल्स देखे ना, इधर ना उधर बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दी है। इसको क्या आराम से चला, ठीक है स्टक हो गई है जंप पे, और ये फिर थोड़ी बहुत ऊंची है, अभी हम सोच रहे हैं कि हमने इसको कैसे गुजारना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही जमीन के साथ टच है। सिर्फ एक ये जंप है, एक वो जंप है, सिर्फ ये दो जंप क्रॉस करनी है हमने पूरे रास्ते में, टूटा हुआ पड़ा है, नहीं इतना नहीं अफेक्ट करता, बाकी ये दो गाड़ी है यार, इससे भी तो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गई है और ये एक जंप नहीं क्रॉस कर पा रही है। उस्मान को देखो, उस उसकी गाड़ी यार, आज है शो और अभी हम आए हैं ये इस गाड़ी को जंप से क्रॉस करवाने, और सिविक वो खड़ी उसको भी बहुत मुश्किल से लाए हैं, ये हमने निकलवा लिया बाहर, अब इसकी बारी है, हम पे स्टक हो गई है, ये गुजर गई है वो फिर रह गई है। तो यार हम जो है वर्कशॉप आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है, इस टाइम सिविक की हाइट है, चलो चलो मैं ये की नहीं पूछें, और यहाँ पे इसके भी टायर लग चुके हैं, शो की टाइमिंग जो है वो 12 से 6 थी और इस टाइम 1 से 12 हो रहे हैं, और गाड़ी नहीं खड़ी रिपोर्ट है अभी तक, की तो ये रिपोर्ट है बनी भाई की गाड़ी खड़ी है, सिविक गाड़ी के बाहर खड़ी है, तो पता नहीं हमें क्या बनता है इसका, फ्रंट गेट तो कल के भाई ने रगड़ दी थी, ठीक है 12 से 6 की टाइमिंग थी,
एक्सेल हमारा कुछ ना कुछ बन के आ गया है, कार भाई की मेहरबानी। और एक्सेल जो है वो इस साइड का टूटा था लेकिन टायर ऊपर ये वाला कर दिया। अभी एक्सेल लगता है फिर देखते हैं क्या बनता है गाड़ी। तो यार अभी जो है वो टाइम हो गया है 1:53 और कोई इतराज़ नहीं है शो पे जाने के। 12 कल हम किर्स वाले शो पे भी ऐसे ही नहीं गए और आज 12 से 6 तक का शो है और हमें 2 यहीं पे बज गए हैं। और अभी हम करने ये लगे हैं कि इसको आगे 15 इंच का रिम लगाने लगे हैं, जो ईके में लगा हुआ था ईके पे, जो इसके आगे वाले 2 रिम थे 16 में क्रांजे वो इसके पीछे लगाने लगे हैं। यार ये बनी ईके की फिटमेंट क्रांजे पे, कोई तक इन काम हो गए हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। सर्विस हो रही हैं और इधर ये सर्विस खड़ी और बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं और हम शो के लिए बहुत लेट हो गए हैं। 3:28 हो गए हैं, 6 बजे शो ख़त्म है। टैक्सी तो यार यहाँ पे अपनी 2 गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, बाकी सब आ रहे हैं। ईके हमारी वॉश हो रही है, ईके हमारी नहीं है लेकिन ईके मेरे दोस्त की है तो वो जो है एज अ डुओ चलती है साथ। बाकी ये दो माशाल्लाह लुकिंग वेरी नाइस और ये मल्टी रिम्स के साथ आगे 15 इंच है पीछे 16 इंच है, जहाँ पे हमें रिवर्स में ज्वाइन कर लिया है बली भाई की। और बस ईके रह गई है जो यहाँ पे ससी है लेकिन वो वॉश हो रही है, बाकी रह गई है सिर्फ 4 गाड़ियाँ और आनी है हमारी और हमारा छोटा सा प्यारा सब बहुत प्यारा लाइनअप तैयार है। यार यहाँ पर हमारे बाकी रिवाज है, टी एस आ गई है, टैक ब्लू ई के है और एक रह गया मतलब ब्लैक ईके रह गया। बेहतरीन माशाल्लाह।
हुआ कि हमारा जो स्टेयरिंग है वो वापस टेढ़ा हो चुका है और इस टाइम आगे सिविक जा रही है और अभी बस घर की तरफ जा रहे हैं, तो जाके आपको बताते हैं। तो यार टाइम लोग आ गए थे लेकिन सीन अब ऐसे है कि ऑटो शोज वगैरह हो गया ख़त्म और अब जो है वो ब्लॉग्स बहुत कम आएंगे क्योंकि और कोई काम नहीं है, बाकी काम भी करने हैं, पढ़ने हैं, आगे पेपर आ रहे हैं।